हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर सा DIY शेयर करने वाली हूँ और इस DIY को हम बनाएंगे वेस्ट पड़ी हुई प्लाई की मदद से। मेरे पास पड़े थे कुछ प्लाई के ये वेस्ट टुकड़े, जिसका साइज़ आप देख सकते हैं, मैंने इसे कट नहीं करवाया है। कुछ इस टाइप के टुकड़े मेरे पास पड़े हुए थे, तो इस DIY को बनाने के लिए हमें दो इस टाइप के टुकड़ों की ज़रूरत पड़ेगी और दो छोटे साइज़ के प्लाई के टुकड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आइडिया मुझे अमेज़ोन से, जब मैं डेकोर पीस सर्च कर रही थी उस टाइम पे मिला। तो अमेज़ोन पे काफ़ी कॉस्टली है और मेरे पास इस टाइप के कुछ प्लाई के टुकड़े पड़े हुए थे, जो हमें बहुत ही सस्ते में ये बन जाएगा। और आखिरी में मैं आपको दिखाऊंगी इसका पिक भी कि अमेज़ोन में ये कितने में मिल रहा है और कैसा दिख रहा है। चलिए अब हम इस वुडन डेकोर पीस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऐसे छोटे वाले टुकड़े को ले लेना है। उसके बाद हमें इस टाइप के हुक की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको हार्डवेयर शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। तो इसे हमें प्लाई पे डायरेक्ट नहीं लगाना है, इसे हम डायरेक्ट लगाएंगे तो ये हुक है वो टेढ़ा हो सकता है। तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले हमें इस टाइप के नेल्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें हमें थोड़ा सा होल कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर प्लाई में एकदम हल्का सा होल कर लिया है। इसके बाद हमें प्लाई के अंदर थ्रेड्स बनाने होंगे। तो थ्रेड्स बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस टाइप के थ्रेड्स वाले स्क्रू की। तो हैमर की मदद से हम इसे थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। अब हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे गोल घुमाते हुए प्लाई में थ्रेड्स बना लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो हुक है वो आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। ज़रा सा हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारा हुक है वो इसके अंदर चला जाएगा। हमने यहाँ पर प्लाई के जो छोटे वाले टुकड़े हैं उसमें दोनों में हमने ये हुक को अटैच कर लिया है, लगा लिया है और ये काफ़ी अच्छे से मजबूत फिक्स हो चुके हैं। तो इस तरीके से लगाएंगे तो ये आसानी से लग जाएगा। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है कि जो छोटा वाला टुकड़ा है उसे बड़ी वाली प्लाई के साथ फिक्स करना है। तो हम थोड़ा नीचे से इसे फिक्स करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा गेप रखेंगे और जो हमने हुक लगाया था वो हमें सामने की तरफ रखना है। तो दोनों प्लाई को अच्छे से सेट कर लीजिए और सेट करने के बाद आपको एक व्यक्ति की इसमें मदद लगेगी। और सेंटर में सबसे पहले हम नेल्स से इसे फिक्स करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर नेल्स को सेंटर में अच्छे से फिक्स कर लिया है। अब इसके आइट साइड के जो कॉर्नर्स हैं उसमें भी हम नेल्स को इस तरीके से फिक्स कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो दोनों प्लाई है वो अच्छे से एकदम मजबूती के साथ में फिक्स हो गई है और इसे हमने हैंग करने के लिए इस टाइप का हुक भी इसमें लगा दिया है। तो दोनों प्लाई पे हमने ये दोनों हुक को लगा दिया हैंग करने के लिए। ये भी आपको हार्डवेयर शॉप पे आसानी से मिल जाएंगे। अब हम इस डेकोर पीस के ऊपर ऑयल पेंट लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर वाइट कलर का ऑयल पेंट लिया है। आप इसकी जगह वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। कभी आपके पास वाइट कलर का या डार्क ब्राउन कलर का वॉलपेपर हो तो आप वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, वो भी इसके ऊपर बहुत ही सुंदर लगेगा। मैंने यहाँ पर वाइट पेंट का यूज़ किया है इसे पेंट करने के लिए। आप इसकी जगह कोई भी कलर ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो आप वो कलर से इसे पेंट कर सकते हैं। तो पहला कोट हमने इसके ऊपर कर लिया है और पहला कोट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसे अच्छे से सूखने देंगे और इसके बाद इस पर हम दूसरा कोट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ उसी तरीके से दूसरा कोट भी इसके ऊपर कर लिया है और ये सूख भी गया है और बनने के बाद ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसके ऊपर आप टीलाइट होल्डर रख सकते हैं, ऊपर एक प्लांट या कोई डेकोरेटिव पीस रख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी अमेज़ॉन की डेकोर वुडन होल्डर की पिक्चर। और ये एक वुडन होल्डर है जिसका प्राइस है अमेज़ॉन पे 890 रुपीज़। और आप भी अपने वुडन होल्डर को इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं बालकनी, बेडरूम, लिविंग रूम में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। जब भी मैं अपने वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।